नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप कि जान लेते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में फैमिली में सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के टॉपिक से ही, सेम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं हम अभी। क्लास 9 से टॉपिक रहने वाला होगा और 10th का भी टॉपिक कह सकते हैं इसको, कि फॉर्मेशन। कल हमने डिस्कस किया था, यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके दोस्तों, आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच, मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स इन विच कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, मीन्स व्हाट हैपन, दिस वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मीन्स द दोज कंपाउंड्स इन विच द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज व्हाट, नोन एज द कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट, मीन्स हाउ दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म्ड, हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ओके ना, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ओके, मींस दो एटमों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इज इट क्लियर, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। अब ये शेयरिंग क्यों करेंगे, बिकॉज शेयरिंग का मेन क्या होता है, इसका मेन मोटिवेशन, मेन मकसद क्या होता है शेयरिंग का, होना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और वी कैन से दैट डुप्लेट, ऑक्टेट और डुप्लेट, इज इट क्लियर। तो क्या होता है कि शेयरिंग का क्या है, हम बात करते हैं शेयरिंग की। यहाँ पर हमने क्या किसी बारे में बताया, शेयरिंग के बारे में, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताया। ओके, शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग कौन करेगी, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, क्यों करते हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। इफ एनी एटम, वाई इट्स नीड टू मेक टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, वाई एनी एटम नीड टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, ओके, बिकॉज इट्स कंप्लीट इट ऑक्टेट, बिकॉज इट्स वॉन्ट टू, इट ऑल्सो अचीव टू द ऑक्टेट और द डुप्लेट स्टेट। डुप्लेट और ऑक्टेट स्टेट इज वॉट, स्टेबल स्टेट, और वी कैन से दैट ऑक्टेट मीन्स हैविंग एट इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, इज इट क्लियर। किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं, एंड हैविंग टू इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। किसी के आउटरमोस्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी स्टेबल होगा। अब पॉइंट आता है कि 2 स्टेबल कैसे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी नोटेड इफ़ द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल, इफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल, देन बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिस सेल इज व्हाट, स्टेबल। हमें पता है कि के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, दे आर 2, 8, 8 और वट एवर, ओके, दिस वन ऑल्सो 2, राइट। सो अगर आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 2 है तो ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में होंगे तब स्टेबल होगा, जब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वही स्टेबल होगा। यहाँ अगर आगे तक कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो स्टेबल नहीं होगा। देन डुप्लेट किसको बोलेंगे, इसी को डुप्लेट बोलते हैं। फर्स्ट सेल इज द डुप्लेट एंड द रिमेनिंग सेल नोन एज द ऑक्टेट। तो पहला सेल डुप्लेट कहलाता है, बाद का ऑक्टेट कहलाता है, इज इट क्लियर। आई होप कि दोस्तों ये बात को समझ में आया होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज इन विच द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एंड कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स,
and sharing. Why it needs shares? Because to complete it octet or duplet. And octet means having 8 electron in the outermost shell, and the duplet means having 2 electron in not outermost shell, we can say that in K shell, having 2 electron in K shell only. Okay, K shell mein agar 2 electron honge, then it means the duplet. Duplet always valid for the K shell, not for the LMN. Okay, where the octet valid for the LMN and so on. Okay, so this one is clear. Now, अब हम बात करेंगे इसके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो. Now, we will discuss how they will form the covalent bonds. How they will form the covalent bond and after that to form the covalent compounds. Okay? बात करेंगे इसकी covalent compound में. कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे. First of all, for an example, elemental. O2. Oxygen. Okay, how many atoms are present in oxygen? There are two atoms, O and O. When O and O combine, then what will form? Oxygen. So oxygen is a what? Covalent molecules. Okay, this one is the covalent molecule, and the next one is the HCl. HCl is what? This one is the covalent compound. This one is the compound. C compound, covalent compound. This one covalent molecule. Now the point is that why they will form the covalent bond. Okay, why they will form the covalent, or why we can say that this is the covalent and this one also the covalent. Why? Because dono kya karte hain, because both compounds are formed by the sharing of electron. Kyon sharing of electron kyon karenge, kyon le gain loss nahi kar sakte. Main cheez ye hota hai ki hame pehle bhi bataya hai ki gain agar jo ionic compound hote hain, आयोनिक में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और आयंस यार एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा. ओके, पॉजिटिव कौन से होंगे? पॉजिटिव वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और निगेटिव वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. हमने ये भी कहा था जो लॉस करता है वो मेटल होता है, और जो गेन करता है वो नॉन मेटल्स होता है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द आयोनिक कंपाउंड. एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल. If metal and non-metals are present, then only ionic bond will form. If both non-metals are present, then what will form? Then covalent will form. क्या होगा कि अगर एक metal है और एक non-metal है, metal है और non-metal है, दोनों अगर metal और non-metal दोनों अलग अलग हैं, तो उस condition में ionic bond बनता है, और दोनों non-metal हैं. H is also non-metal, chlorine also non-metal, दोनों oxygen non-metal है. तो जब नॉन मेटल आपस में कंबाइंड करते हैं, व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड ईच अदर, देन व्हाट विल फॉर्म? बाय देन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, एंड व्हाट विल फॉर्म? द कोवेलेंट बॉन्ड एंड आफ्टर कोवेलेंट कंपाउंड. लिसन, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज द 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 6. ओके, अंडरस्टूड? नाउ क्या है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं. कितने होने चाहिए? अब ये एल से अलग कितने होने चाहिए? अभी हमने बताया था एल में तो 2 होते हैं, बाकी सब में 8 होने चाहिए. तो इसमें 8 होने चाहिए, तो 8 से कितने कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है. प्लस 2 अगर और मिल जाए तो किसके इक्वल हो जाएंगे? 8 के इक्वल हो जाएंगे. और वी कैन से डैट किसके इक्वल हो जाएंगे? 8 के इक्वल हो जाएंगे. तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं इसको, और दूसरा अगेन ऑक्सीजन एटम, इसका भी 8 है, देन 2, 6. इसका भी ऐसे भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई मेटल तो है नहीं जो लॉस करेगा और ले लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन. बट इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं. देन इन दिस कंडीशन, बिकॉज देयर इज नॉन मेटल इज अवेलेबल, ओनली नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट, सो इन दिस केस बोथ ऑक्सीजन एटम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन. Okay, shares its electron. This one also share its electron with this oxygen atom. Then, how many electrons share? So, कितने electrons share करेगा? ये depend करता है outermost के electron को complete करने के लिए जितने electron की जरूरत होती है. 6 है. Outermost shell complete करने के लिए कितने चाहिए? 2 electron. तो ये 2-2 electronों की sharing करता है. First of all, you have to write the 6 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one also 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके आई थिंक इतना समझ में आ गया. ऑक्सीजन पे सिक्स इलेक्ट्रॉन, दिस वन ऑक्सीजन सिक्स इलेक्ट्रॉन. अब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा. ये दो इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग इसके साथ करेगा, ये भी क्या होगा, ये भी करेगा. अब ये दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अपने इसके साथ करा, दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है. जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधर हो गए. अभी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कि अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि माना कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ए है और बी है, दो हैं, ये दो बंदे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं. अब इनको क्या लेना है, एक आईफोन लेना है, ओके, एक मोबाइल फ़ोन लेना है, और वी कैन से वन बाइक लेनी है. इसको बाइक का कॉस्ट है 40,000, कितना है 40,000, बट इसके पास ओनली कितने हैं 20,000 है. अब क्या होगा कि 20,000 इसके पास है, और चाहे बाइक कितने की आएगी, 40,000 की. अब क्या होना है कि ये इससे कहेगा कि 20,000 तू दे दे, ताकि मेरा दोनों मिलके क्या ले लेंगे, बाइक ले लेंगे. अब 20 इसने दिया और 20 इसने दिया. अब हमारी बाइक आ चुकी है, ओके हमारी बाइक ये है वो आ चुकी है, ओके ना, बाइक आ चुकी है. अब ठीक है, अब बाइक ये आ चुकी है, ठीक. अब बाइक ये आएगी, अब क्या होगा, बाइक अगर जो आएगी तो वो ए भी चलाएगा और बी भी चलाएगा. क्यों, क्योंकि दोनों की इक्वल शेयरिंग है. ये नहीं कि 20,000 रुपये दे के और ये बाइक चला रहा है इसको नहीं देगा, नहीं, इसका भी बराबर का इसमें क्या है, बराबर का इसमें हिस्सा है, इसका भी बराबर का हिस्सा है. तो दोनों का बराबर का इस पर क्या बनता है, राइट बनता है कि दोनों इक्वली ड्राइव करें. ओके तो वही होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की, इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ये चार इलेक्ट्रॉन हो गए. इन चारों इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी हक होगा और इधर वाले पर इसका भी हक होगा. देन तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल इसमें एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इसमें अब आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट हो गया. देन व्हाट विल फॉर्म नेक्स्ट स्टेप, ओ कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती तो डबल बॉन्ड बन जाता है. देन फाइनली क्या बन के तैयार हो जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है. दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा. अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, HCl के बाद देते हैं HCl. H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वन होता है, और वन ही क्या होगा इसका, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर ही वन. Cl की बात आती है तो Cl का कितना होता है, 17 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. ओके अब हमें क्या है, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है. पर दोनों ही नॉन मेटल, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जब गेन करेंगे तो लॉस तो कोई करने वाला नहीं है, तो गेन इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे. तो क्या करेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल, इसके के शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, एट इलेक्ट्रॉन के लिए. इसको मिलेंगे दो, जब टू इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो के शेल तो कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. इसको एक मिलेंगे तो एट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो अब क्या करेंगे, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी शेयरिंग करेगा क्लोरीन के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. क्लोरीन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स थे, ये हैं, हाइड्रोजन पर एक था. अब ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इन्हें एक एक इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है. अभी हमने कहा था जब ये होगा तो दोनों में काउंट होंगे, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टू. क्लोरीन में कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. और जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो इसके बीच में क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है. देन फाइनली HCl विल फॉर्म्ड. ओके आई होप कि ये भी समझ में आया होगा. चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. कोई भी लगता है दोस्तों, कोई डाउट लगता है, कोई समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हमारी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की. तो दोस्तों हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आप जो चाहेंगे आपको यहाँ पर वो मिलेगा जो चाहेंगे आप. ओके तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात आती है. ओके नाउ ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, देखते हैं. ट्रिपल बॉन्ड जो आता है वो किस में आता है, N2 में आता है. कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 25. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नीडेड, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 5 है. 8 होने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए.
तो देन इन दिस केस नाइट्रोजन एटम शेयर्स इट्स थ्री इलेक्ट्रॉन विद द अदर नाइट्रोजन एटम्स, वन टू वन टू वन टू, क्योंकि फाइव इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव, दिस वन अगेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दिस वन एंड दिस वन, वॉट, वन टू थ्री फोर फाइव. इन दिस केस वॉट विल हैपन, नाइट्रोजन शेयर्स इट्स थ्री इलेक्ट्रॉन विद द अदर नाइट्रोजन एटम, देन दिस वन फॉर्म एंड दिस वन फॉर्म. नाउ वॉट विल हैपन, थ्री थ्री सिक्स टू एट कंप्लीट, थ्री थ्री सिक्स टू एट कंप्लीट. By this method or by the sharing of electron between the nitrogen atoms, both nitrogen atoms complete their octets or and becomes a stable. Okay. So इस condition में क्या हो जाएगा कि जब triple bond क्या हुआ, तीन तीन electron share किया, तीन इसने और तीन इसने, तो इसमें क्या हो जाएगा, triple bond बन जाएगा, क्योंकि एक electron, एक दो, एक bond ये बन गया वन टू, एक bond ये बन गया वन टू, एक bond ये बन गया. ये नहीं, कभी भी बॉन्ड ऐसे नहीं लगेंगे, ध्यान रखना, हमेशा ये हॉरिजॉन्टल में होते हैं. कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में मैंने देखा है स्टूडेंट्स, मेरे भाई देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टाइप से लगा देते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री एन, वन टू, तो एट इलेक्ट्रॉन ये हो, सॉरी हाँ, या वन टू थ्री फोर, या एट इलेक्ट्रॉन ये होगा और एट इलेक्ट्रॉन ये होगा, ऐसे कर देते हैं. जबकि ये मेथड क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि कभी ये अगर ऐसे होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर किस टाइप के बॉन्ड होंगे, वन टू थ्री एन, इस टाइप के बॉन्ड होंगे, जबकि ये मेथड नहीं होता है. हमेशा ये किस में लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं, वर्टिकल में नहीं लगाएंगे, लाइक दिस एन एन, बिकॉज वन दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो ऐसे हमारे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम में बीच में, और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. सो बाय दिस वे वी व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्मड बिटवीन द टू नाइट्रोजन एटम. नाउ फाइनली वी विल गेट द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. ओके, दे आर सो मेनी एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल. यू हैव टू फर्स्ट, इफ आउटर मोस्ट फाइव इलेक्ट्रॉन, देन इट रिसीव थ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्मड फाइव. इफ व्हाट, सिक्स इलेक्ट्रॉन, देन इट रिसीव टू इलेक्ट्रॉन, देन डबल बॉन्ड्स विल फॉर्म, सिक्स थोड़ी टू थ्री. इफ सेवन इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, देन ओनली अ सिंगल सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म. बट ये भी कंडीशन इनकी अलग अलग हो जाएंगी. अगर फाइव वाला है एन एच के साथ कर रहा है, ओके, अगर एन एच के साथ कर रहा, तो एन में कितना होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स ये रहा, वन टू थ्री ये रहा, फाइव हो गए. हाइड्रोजन एक यहाँ से आया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया. इस कंडीशन में ट्रिपल नहीं बनेंगे. अगर ट्रिपल तभी बनते हैं जब क्या होता है, सिमिलर एटम्स मिलते हैं, सिमिलर एटम मिलेंगे, डिफरेंट एटम मिलेंगे, तो ट्रिपल नहीं भी बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा. ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन, डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन, डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन, एंड नाउ ऑक्टेट कंप्लीट नाइट्रोजन. तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, ही ऐसे रहेंगे. ओके, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है. अगर कोई भी एटम अपने ही एटम के साथ रिएक्ट करता है, तब उस कंडीशन में डबल, सिंगल और ट्रिपल बनते हैं. अगर फाइव वाला, जिसके आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ एनी एटम हैज फाइव इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, देन देयर इज नो गारंटी, देन इट विल फॉर्म्स ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड. इफ दे विल रिएक्ट, If any atoms have five electron in the outermost shell, when they'll react with the same element, nitrogen react with nitrogen, then only this, in this condition, triple bond will form. If this nitrogen react with the other element, then there is no guarantee, then always triple bond will form. कोई guarantee नहीं है कि triple bond ही बने, double ही बन सकता है, single भी बन सकता है. Is it clear? I hope कि दोस्तों ये समझ में आया होगा. दोस्तों आज का ये टॉपिक है इतना कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. दोस्तों आपकी तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी रेफर कीजिएगा. ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद.